કેમ આપણે કલાવર શો કરીએ છીએ તેની આ માહિતી આપશે. આઈ એમ રીતુ શાહ, મેં નિફ્ટ ન્યૂ દિલ્હી સે ડિઝાઇનર હું.
और हम मैं जब यहाँ पे आई एम गुजराती बाई मैरिज, आई मैरिड टू हिम, अदरवाइज आई एम फ्रॉम यूपी. सो व्हेन आई केम टू सूरत तो एक थोड़ा कल्चरल थोड़ा डिफरेंसेस लगा, क्योंकि यहाँ पे इतने कल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं थे. प्लस हैंडीक्राफ्ट को लेके जो थोड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पर, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सुधार करना चाहिए. हैंडीक्राफ्ट जो है एक बहुत ही तपस्या जैसी एक चीज़ है, उसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए. और हमारी जो विरासत है, जो कि 5000 साल पुरानी जो कलाएँ हैं, जो कि जिनका प्रमाण भी मिलता है, वो हमें आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है. किस तरह से कितने स्टेट के लोग जुड़ेंगे? हाँ जी जी, इसमें हमारे करीब 15 स्टेट के तो लोग 15 स्टेट के लोग जो हैं वो हमारे एग्जीबिशन में हैं. और बहुत सारे अनगिनत स्टेट्स के लोग, जैसे कि आईडी राव हैं तो वो साउथ से हैं. इस तरह से म्यूजिशियन करके तो देखें तो पूरा ऑलमोस्ट इंडिया जैसा यहाँ आ गया है. और इसने बोला है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट. तो अभी क्या है कि लोग चाइनीज चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है और सब गैजेट्स मैनियाक हो गए हैं, तो इनमें अपनी जो भारतीय संस्कृति भूली जा रही है, तो उसको ये उजागर करने के लिए हमारा मेन इनिशिएटिव है कि वो लोगों तक आज की फ्यूचर जनरेशन पे ये बात पहुँचे कि उनको मालूम पड़े कि कितनी रिच हेरिटेज है अपनी. तो उसके लिए ये मेन हमारा इनिशिएटिव है. इसके लिए इसका नाम भी है कला वारसो. तो ये हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहते हैं, हमारी जो विरासत है वो हमको पास करना चाहते हैं. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक चैरिटी इवेंट है जिसमें हम आर्टिजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे, फूड और स्टॉल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और पार्टिसिपेट करें. अच्छे का जी, बिल्कुल बिल्कुल. और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जैसे लोग और लोगों को इसमें जोड़ें. इट इज एक्चुअली इट इज़ फॉर द सिटीजन्स बाय द सिटीजन्स, वो बेसिस पे हम करना चाहते हैं. तो नागरिकों का पार्टिसिपेशन सब तरह से चाहिए, पार्टिसिपेशन एज इन यहाँ पर आके आप एंजॉय भी करिए और हर तरह से हमारा सपोर्ट भी करिए. थैंक यू. कल्चरल इवेंट्स इसके लिए रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर अट्रैक्ट होके आए और इनकी मैक्सिमम सेल होए. तो लास्ट टाइम भी ये लोग ने मोर देन 40 लाख का सेल किया था, तो इस बार हम लोग मोर देन 80 लाख का टारगेट कर रहे हैं. और लास्ट टाइम हमने 60 डिफरेंट आर्ट्स को इनवाइट किया था, इस बार 80 है. तो हम ये लास्ट टाइम से एक लेवल ऊपर उसको ले जाना चाहते हैं. जैसे मैम इसमें कैसा है कि अभी हमने एक सिटी को जोड़ा है, जैसे सूरत सिटी को जोड़ा है, तो सिटी इज़ अवर पार्टनर, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ अवर पार्टनर. तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ऐसा है कि एक स्टेट को पार्टनर बनाए, एक स्टेट हाँ गुजरात को पार्टनर बनाए, फिर मध्य प्रदेश को बनाए, फिर नेशनल लेवल पर उसको ले जाए, ये हमारा ड्रीम है. अनुक्रमे सूरतनी अंदर एक उत्सवनो माहौल सर्जायो छे अने अहियानी हेलीए थी दरेक सुरतीओ एने माटे एन्जॉय करे छे. अने खरेखर कहूँ आजना जमानामां आर्टिस्ट लाइफ भोगवी रह्या लोकोने एक एवो अनुभव थयो छे कि पोतानी कलाने वेचवानो एक आनी साथे एक सुयोग अने सहयोग मळ्यो छे अने पोताने आमदानी वधी शके. जे बंगलामां रहे छे તે ગાડી વસાવી શકે, જે ફ્લેટમાં રહે છે તે બંગલો વસાવી શકે, જે સ્કૂટર પર જાય તે ફોર વ્હીલર લઈ શકે, એવી પરિસ્થિતિ અહીંયા કલાકાર માટે સર્જાય છે. અને કલાકારોને મદદરૂપ એવા કલા વારસા માટે અમે ખૂબ ધન્ય અનુભવીએ છીએ. એન્જોય ધ કલા વારસો. एक रोगन आर्ट का आर्टिस्ट हूं और मैं इधर मुझे सूरत में इधर कला वारसों में इनवाइट किया गया है. और बहुत ही आर्टिजन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने आयोजन किया है. मुझे भी बहुत अच्छा लगा और कच्छ से बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है ये कला वारसों. जैसे मेरे ख्याल से ये एक साल में एक बार करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक साल में दो बार कला वारसों का आयोजन करना चाहिए. माटे मारू नाम अक्षय देसाई है, अक्षय नडुभाई देसाई है. हूँ रानेर रहूँ छू अने सुटेक्स बैंक में चीफ कैशियर छू अने विविध प्रवृत्ति साथ संकळायेलो छू. एमां एक आजनी प्रवृत्ति मने खास आँख हाँजी दे एवी छे कि जे कला वारसो के कला वारसा में जे कलाकारों आव्या छे कच्छ थी કે અન્ય શહેરોમાંથી જે પધાર્યા છે એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
એ લોકો પાસેથી કંઈક આપણે જીવનમાં કોઈ ટિપ્સ મેળવીએ, જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી મેળવીએ, કે એવી કોઈ પણ બાબત આપણને આપણા માનસિક સ્ટ્રેસમાંથી દૂર કરે, આપણે આપણા કામના બોજામાંથી આપણે મુક્ત થઈને એમાંથી ફ્રેશ થઈને આપણે બીજે દિવસે આપણા કામમાં આપણે વધુ નિષ્ઠાથી વધુ રસથી કામ કરી શકીએ, એ હેતુથી આ કલા વારસાને પ્રોત્સાહન પ્રજાજનોએ આપવાનું છે. અને એ પ્રજાજનોએ સહકાર આપવામાં ફરજ થઈ પડે છે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વધુ ને વધુ ફરજ એ રીતે થઈ પડે છે કે વર્ષમાં 4-5 વાર પ્રોગ્રામ થવા જોઈએ, કે જેથી મિડલ મધ્યમ વર્ગ કે ઉચ્ચ મધ્યમ વર્ગ કે નીચલો મધ્યમ વર્ગ એ લોકો આ કલા વારસાની પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં લઈને ફ્રી ઓફ ચાર્જ એનો લાભ લઈને બીજાને જાણ કરે. અવારનવાર આપણે અન્ય બાબતોથી મોબાઈલ પર વાત કરતા હોઈએ છીએ, પણ મારી ખાસ પ્રજાજનોને વિનંતી છે કે તમે આ પ્રોગ્રામ માણ્યો હોય તો તમે તમારા સગાવાલાને પડોશીઓને બી જાણ કરો, કે જેથી વિનામૂલ્ય જે સેવા પૂરી પાડે છે સુરત મ્યુનિસિપાલિટી કે જે કોઈ સરકારી તંત્ર, તો તેનો મોટા પ્રમાણમાં લાભ લઈ શકે, કે એનું જે ખર્ચનું જે પ્રમાણ હોય છે એ ખર્ચને વળતર મળે અને સરકારને બી વધુ ને વધુ પ્રોગ્રામ કરવાની એમની ઈચ્છા જાગે એ રીતની મળી આપે છે.